बिहार की राजनीति के धुरंधर नेता लालू यादव को आखिरकार 42 महीने 11 दिन बाद झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिल ही गई। ये जमानत जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने दी है। 1-1 लाख रुपए के बेल बॉन्ड और 5-5 लाख रुपए के निजी मुचलके के आधार पर दी गई है। हमारे पीछे जो देख रहे हैं आप, ये लोग हैं जो पहुंचे हुए हैं, मिठाइयां बांट रहे हैं, रंग अबीर लगा रहे हैं, एक दूसरे को झंडा लेकर पहुंचे हैं लालू यादव के साथ में। और ये घर जो है ये राबड़ी देवी का आवास है, बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री, उनके बेटे तेजस्वी यादव और तेज प्रताप दोनों ही घर में मौजूद हैं। जाहिर है कि उनको जमानत मिलने की खुशी बहुत ज़्यादा है लोगों के अंदर में। हालांकि जगतानंद जो प्रदेश अध्यक्ष RJD के, उन्होंने सख्त हिदायत दी है अपने कार्यकर्ताओं से कि कोरोना काल में वो जश्न ना मनाएं, वो मिठाइयां ना बांटें, लेकिन कार्यकर्ता मानने को तैयार नहीं हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इन्हें रोके तो कौन रोके। ये जो कहा जा रहा है कि जमानत मिली है, इस पर काफ़ी सारे सवाल भी उठ रहे थे। CBI ने अपनी तरफ से साफ तौर पे कहा था कि दुमका कोषागार के मामले में 3 करोड़ रुपए से ज़्यादा निकासी के मामले में 2 सजा दी गई थी, 7 साल की सज़ा, और 1 सजा खत्म होने के बाद दूसरे 7 साल की सज़ा चलनी थी। लेकिन हाईकोर्ट ने इस दलील को नहीं माना और आखिरकार लालू यादव को जमानत मिल गई। कहा जा रहा है कि बिहार की राजनीति में अब और गर्मजोशी आएगी, क्योंकि एक तरफ नीतीश कुमार है तो दूसरी तरफ लालू यादव अपने दोनों बेटों के साथ नजर आएंगे। राजनीति में वो बयानबाजी के लिए जाने जाते हैं और वो भी देसी और चुटिले अंदाज में। किस तरह से चोट करेंगे ये भी देखना दिलचस्प होगा। हालांकि अभी 2 दिन और लगेंगे क्योंकि औपचारिकताएं पूरी करनी होती है अदालत के अंदर से। अदालत से जब आदेश जमानत का जाएगा तो वो जेल में जाएगा और रांची जेल से फिर वहां से एम्स में भेजा जाएगा, क्योंकि एम्स में भर्ती है और एम्स में उनका इलाज चल रहा है। हालांकि इलाज कब तक चलेगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि एम्स को ही ये तय करना है कि उनकी जो स्थिति खराब है, कितनी स्थिति खराब है, क्या वो दिल्ली से पटना आएंगे। हर किसी की नज़र बनी हुई है कि अगले 2 दिन में क्या होता है। जमानत किस शर्तों पे दी गई है इस बारे में वकील ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुन लीजिए। आज सुनवाई थी, हमें सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस मिल गया, बेल ग्रांट हो गया और 1-1 लाख का 2 श्योरिटी फाइल जमा करना है और 5-5 लाख का ये आपका 5 लाख IPC और 5 लाख आपका PC Act में फाइन जमा करवाना है। अब क्या सर आगे प्रक्रिया रहेगी? देखिए आगे की प्रक्रिया कैसा है कि अब ऑर्डर साइन होगा, फिर ऑर्डर हाईकोर्ट से निचली अदालत में फैक्स होगी, उसके बाद हम लोग बेल बॉन्ड फाइन करेंगे, उसके बाद हम रिलीज होंगे। संभवतः 2 से 3 दिन। जीतनराम मांझी की पार्टी हमने इसका स्वागत किया है। प्रवक्ता दानिश रिजवान ने वीडियो जारी कर कहा है कि लालू यादव को जो जमानत मिली है उसका वो स्वागत करते हैं। हालांकि इसके राजनीतिक मायने फिलहाल नहीं लगाए जा सकते हैं, लेकिन ये तय है कि स्वागत करना अपने आप में कुछ न कुछ संदेश और संकेत जरूर दे रहा है। सुनिए क्या कह रहे हैं हम प्रवक्ता। देखिए लालू प्रसाद यादव जी के जमानत का हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा स्वागत करती है। हमारे नेता श्री जीतन राम मांझी हमेशा आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित रहते थे और उन्होंने हमेशा इस बात का जिक्र किया है कि लालू प्रसाद यादव जी जल्द ही स्वस्थ होकर हम लोगों के बीच में आए। आज उनको जमानत मिली है, ये खुशी का माहौल है और हमें उम्मीद है कि जमानत के बाद वो अपने स्वास्थ्य की समुचित इलाज कराएंगे और ठीक होकर के हम लोगों के बीच में आएंगे। कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ जमानत दी है जिसमें ये कहा गया है कि लालू यादव इस दरमियान ना ही वो अपना पता बदलेंगे और ना ही मोबाइल नंबर बदलेंगे। इसके अलावा उन्हें देश से बाहर जाने की अनुमति लेनी होगी अगर वो विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो। लालू यादव बिरसा मुंडा जेल रांची में बंद थे, लेकिन उनकी तबीयत खराब हो गई थी। 2 बार उन्हें अस्पताल ले जाया गया था, 1 बार वो मुंबई गए थे, 2 बार एम्स गए हुए थे, तो फिलहाल दिल्ली एम्स में ही भर्ती हैं और वहीं उनका इलाज चल रहा है। जमानत की जब खबर मिली थी तो उस वक्त तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष राजभवन से जो संचालित हो रहा था राज्यपाल की तरफ से सर्वदलीय बैठक, उसमें वो शामिल थे और उन्हें ये खबर मिली। बाहर आके उन्होंने कहा ये खुशी की बात है, अदालत में उनका सम्मान है और न्यायालय ने जो फैसला दिया है उसका वो स्वागत करते हैं। क्या कहा तेजस्वी यादव ने वो भी सुनो। न्यायालय का फैसला आया है,
और हम लोगों को शुरू से ही न्यायालय पे भरोसा था कि न्याय जरूर मिलेगा। और आप सब लोग जानते हैं कि सजा की जो आधी अवधि जो होती है, हाफ सेंटेंस जो होता है, वो लालू जी ने पूरा किया है। और इस तौर पे जो है उच्च न्यायालय ने लालू जी को बेल दिया है। पूरी खुशी की लहर पूरे देश भर में है। देश की जरूरत और देश में सभी लोगों को इंतजार था लालू जी की, और लालू जी को आज बेल मिला है। इसके लिए माननीय हाई कोर्ट को हम धन्यवाद देना चाहेंगे। और अभी फिलहाल लालू जी जो हैं एम्स में भर्ती हैं, इलाज चल रहा है और बेल मिली है, इसकी खुशी है। लेकिन हम लोगों की चिंता उनकी स्वास्थ्य को लेके भी है। जेडीयू ने इस मामले में कटाक्ष भी किया है, साथ ही ये भी कहा है कि न्यायालय के आदेश का वो जरूर सम्मान करते हैं, लेकिन लालू यादव सजा याफ्ता हैं और कोई वो स्वतंत्रता संग्राम में जेल नहीं गए थे बल्कि चारा घोटाले में गए थे। देखिए, भारत के लोकतंत्र में संविधान पर भरोसा रखने वाले हर एक नागरिक को न्यायालय के फैसले का सम्मान करना चाहिए। हमें भी न्यायालय के किसी भी फैसले पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करनी है। हम हमेशा न्यायालय के हर एक फैसले के साथ रहते हैं। लेकिन बिहार की जनता, देश की जनता इस बात को जानती है कि लालू प्रसाद यादव जी कोई स्वतंत्रता संग्राम में लड़कर जेल नहीं गए थे। उन पर कैसे आरोप लगे थे चारा घोटाले के समय और कौन कौन से आरोप सिद्ध हुए हैं, इसकी जानकारी हर किसी को है। और इसी पूरे मामले में वो सजा भी काट रहे हैं। तो राजद के लोग भले ही खुशी मना रहे हैं, खुशी मनाइए, लेकिन जो सच्चाई है उनकी, उससे हर कोई अवगत हुई है। राबड़ी देवी, मीसा भारती दोनों ही दिल्ली में जमी हुई है और इन लोगों को अंदेशा था कि अगर जमानत मिलती है तो फिर वो आगे की कार्रवाई करेंगे और उन्हें साथ लेकर के पटना आएंगे। हर किसी की निगाह है कि आगे लालू यादव और उनका परिवार क्या और कैसे करता है, क्योंकि लालू यादव गंभीर बीमारी से भी जूझ रहे हैं। जाहिर है लोगों को इंतजार है लालू यादव का पटना आने का। लालू यादव के घर पर जश्न मनाया जा रहा है क्योंकि उन्हें जमानत मिल गई है। हम आपको कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं। अरुण यादव हैं अपने साथियों के साथ में, भाई अरुण अपने आप को कहते हैं, और ये जो है मिठाई लोगों को खिला रहे हैं जो भी आ रहा है। लालू यादव की तस्वीर अपने सीने में लगाए रखते हैं हर वक्त में। आप मिठाई खिला रहे हैं, आपने कुछ प्रण किया था कि लालू यादव को जब जमानत मिलेगी तब आप क्या करेंगे, इसके पहले क्या नहीं कर रहे जी? देखिए, हम लोग ने जितना यहाँ पर जो भी लोग हैं, सभी लोग उस प्रण में शामिल थे कि लालू बिन होली नहीं, लालू बिन दिवाली नहीं। तो हम लोग जो पार्टी कार्यालय में प्रण लिए थे वो आज पूरा हो चुका है। और पहले, सबसे पहले हमने अबीर निकाल कर और लड्डू निकाल कर लालू यादव को समर्पण करने का काम किया है। उसके बाद ही हम लोग अपने माथा पर अबीर लगाए हैं और जो लोग भी खेले हैं होली उसके बाद किए हैं, इसलिए कि हम लोग का प्रण था कि बिन लालू होली नहीं। अब आगे आप लोग क्या करेंगे, किस तरह की तैयारी कर रहे हैं कि लालू यादव जब जेल वहां से आएंगे दिल्ली से, तो दिन दिल्ली जेल से रिलीज होकर के आएंगे। पार्टी हम लोग एक प्रण ये भी लिए थे कि उसी दिन राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय को मिट्टी के दिए से जला करके रोशन करेंगे, अभी से नहीं, ये बिजली वाले से नहीं, मिट्टी के दिए जलाएंगे। आज लालू यादव जिस प्रकार राम जी आए थे और लक्ष्मण सीता आए थे, उसी प्रकार हम लोग के लिए राम लालू जी हैं और लालू जी आएंगे। उस दिन दिवाली धूमधाम से मनेगी। ऐसे आज भी हम लोग सांकेतिक तौर पर दिवाली भी मनाएंगे और होली भी। अच्छा, आपके प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद ने जारी किया है निर्देश कि कोई होली नहीं मनेगा, कोई दिवाली नहीं, कोई लोग नहीं निकलेंगे। जगदा बाबू हमारे माननीय सम्मानित नेता हैं, उनको हम लोग दुखी नहीं कर रहे हैं। वो खुशी, कोई चीज ऐसा होता है जो कि जिसको बांधा नहीं जा सकता, खुशी को बांधा नहीं जा सकता है। जगदा बाबू को मेरा नम्र निवेदन है कि आज के दिन वे कुछ ऐसा नहीं करें। खैर, उन्होंने अगर कहा है तो सिर्फ इसलिए कहा है कि कोविड नियम हमारे कार्यकर्ता कहीं उसमें चपेट में नहीं आए। आपकी मुलाकात हुई तेजस्वी जी से? तेजस्वी जी को मैंने लड्डू खिलाया, तेजस्वी जी को लड्डू खिलाया और अभी तेजस्वी जी लड्डू खा के गए हैं। और जगदानंद सिंह जी गार्जियन है हम लोगों के, और अगर कोई भूल चूक भी होती है तो हम उनसे माफी मांगते हैं यहाँ से, क्योंकि गार्जियन हम लोग के आ रहे हैं तो खुशी तो बनती है।
ऐसे उनका गाइडलाइन हम लोग पालन कर रहे हैं, मास्क चेहरे पे है और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन कर रहे हैं और ज्यादा उग्र भी हम लोग नहीं है कि कायदे से बाहर है, हम लोग बस अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं क्योंकि हमारे गार्जियन और सबसे पहले मैं रोहिणी आचार्य का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। रमजान का महीना पवित्र महीना आया है, उस पर उन्होंने कहा था कि इस महीने में मैं रोजा रखूंगा पिताजी के सेहत के लिए और बेल के लिए, तो निश्चित रूप से यह पवित्र महीना में बेल हुआ है। मैं उनका भी धन्यवाद, क्योंकि सुशील मोदी जी ने वो ट्वीट पर मजाक भी उड़ाया था, लेकिन भगवान के लाठी में आवाज नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं सच्चाई सामने आती है। चलिए, सारी खुशी है, सब लोग मना रहे हैं और ये खास बात यह है कि अब लालू यादव की रिहाई की खबर, जमानत मिलने की खबर पर ही लोगों में एक तरह से राजनीतिक भूचाल आ रहा है और अंदर से उन्हें ऐसा लग रहा है कि अब वो जवाब दे पाएंगे। हमारे सहयोगी विशाल अवध और राजेश के साथ प्रकाश कुमार, एबीपी न्यूज पटना। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।